इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। विंध्य क्षेत्र की सीधी सीट भी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिरकार सीधी सीट से कौन विधायक बनेगा, यह जानने की इच्छा न सिर्फ सीधी विधानसभा के लोगों में है बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों के लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार 2023 के चुनाव में सीधी विधानसभा से विधायक कौन बन रहा है। सीधी विधानसभा लोगों की निगाह में इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर सीधी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक आदिवासी के ऊपर प्रवेश शुक्ल नामक व्यक्ति ने पेशाब कर दी थी। उसके बाद यह पूरा मामला देश दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगा। प्रवेश शुक्ला के ऊपर इस बात के आरोप लगे कि वह सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के बहुत करीबी है। पेशाब करने के कारण प्रवेश शुक्ला के ऊपर रासुका भी लगाई गई और उनका मकान भी तोड़ दिया गया। इस पेशाब कांड के चलते सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी, क्योंकि पेशाब कांड से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर इस बात का डंका पीटा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। इस तोहमत से बचने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दसमत आदिवासी को भोपाल बुलाकर उसके चरण भी धोले और उसकी हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इस पूरे पेशाब कांड के चलते दसमत का कितना भला हुआ, प्रवेश शुक्ला का कितना बुरा हुआ, इसका आकलन कभी और करेंगे। लेकिन पेशाब कांड के चलते किसी का बुरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सीधी के तीन बार के विधायक केदारनाथ शुक्ल का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बेरहमी के साथ काट दिया और उनकी जगह पर सीधी की दो बार से सांसद रह चुकी रीति पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। केदारनाथ शुक्ला भी कहां शांत रहने वाले, उन्होंने सीधी विधानसभा से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। केदारनाथ शुक्ला जब भी मीडिया से चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रीति पाठक 10-15% वोटों में सिमट जाएंगे। केदारनाथ शुक्ला ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो तकरीबन 5,000 से अधिक लोग उनका नामांकन दाखिल कराने आए। कांग्रेस पार्टी ने सीधी विधानसभा से ज्ञान सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसा कि केदारनाथ शुक्ला कह रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस सीधी विधानसभा में मुकाबले में है। रीति पाठक भी अपने बयानों में हमेशा यही कहती सुनी गई कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, केदारनाथ शुक्ला कहीं नहीं लगते। सीधी विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ केदारनाथ शुक्ला की उपस्थिति मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। कोई भी चुनाव विश्लेषक दावे के साथ यह नहीं कह पा रहा है कि फला पार्टी चुनाव जीत ही जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है वह सब कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। अब देखना यह है कि सीधी की सांसद रीति पाठक जीत का फाटक खोल पाती हैं या नहीं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।